नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की कल चीन और भारत के बीच में फिर एक दौर की वार्ता हुई। ये तीसरी वार्ता थी 6 जून, 22 जून और 30 जून को। कल कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज उधर से ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी अखबार है उसने एक्सक्लूसिव करके रिपोर्ट दी है, अपने उस पर ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया है कि दोनों पक्ष इस बात पर राजी हैं कि किसी तरीके से तनाव को कम किया जाए और माहौल को सद्भावपूर्ण बनाया जाए। ये तो बहुत पहले सहमति बन गई थी, 6 जून को सहमति बन गई थी, फिर 15 जून की घटना क्यों हुई? यानी कि एक तरफ वार्ता, दूसरी तरफ जंग की तैयारी। आतंकवादियों से पाकिस्तान में हाथ मिला रहा है चीन, 20,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं सीमा पर पाकिस्तान ने भारत को डराने के लिए। भारत डरने वाला नहीं है, सब चाल समझ रहा है ड्रैगन क्या क्या कर सकता है। तो ये आई है। दूसरी तरफ भारतीय सैन्य सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है और ग्लोबल टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है, दोनों की बातें मिल रही है कि हाँ, इस बात पे सहमति बनी। सहमति बनी तो पीछे कब हटेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या हुआ है डेवलपमेंट, जो भारत एक के बाद एक कदम उठा रहा है। 59 चीनी ऐप्स को बैन किया, हुआवे को यानी 5G के लिए जो कंपनी आ रही थी, चाइनीज कंपनी हुआवे, उसको बाहर करने की तैयारी है। और जो है रोड कंस्ट्रक्शन से चीनी कंपनियों को बाहर किया जा रहा है, और कई पाइपलाइन में कई सारी चीज़ें हैं। अब चीन परेशान हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स ये तो ट्वीट कर रहा है कि भारत के साथ हमारे 10% बिजनेस ही जुड़े हुए, 10% बिजनेस भी बहुत होता है, लेकिन अंदर से परेशान है। ग्लोबल टाइम्स के बारे में माना जाता है कि जो सरकार को कहना होता है वो सरकार के पास खुद नहीं कहती है, तो वो ग्लोबल टाइम्स यानी सरकारी अखबार के जरिए कहलाती है, और पूर्णतया वही वो ग्लोबल टाइम्स बोलता है जो सरकार चाहती है। अब वो ये कह रहा है कि भारत की पॉलिसी तो पड़ोसी पहले है, नेबरहुड फर्स्ट, तो भारत फिर इसे कोअर्सिव डिप्लोमेसी क्यों कर रहा है, यानी कि दबाव और उत्पीड़न की राजनीति कह लीजिए, कूटनीति कह लीजिए, क्यों कर रहा है? वो भारत पे सवाल उठा रहा है। कौन सवाल उठा रहा है? वो चाइना जो इंच इंच करके भारत का दबा रहा है, भारत की सीमा में आकर के घुस करके बैठा हुआ है, और वो कह रहा है कि भारत उत्पीड़नात्मक जो है कूटनीति कर रहा है, परेशान करने वाली कूटनीति कर रहा है। तो ये देखिए, चीन की ये पॉलिसी है चोरी और सीनाजोरी, यानी कि खुद कब्जा करो और ये आरोप लगाओ कि आप कब्जा कर रहे हो। तो पूरे तनाव के लिए पहले उसने भारत को जिम्मेदार ठहराया, और अब कह रहा है कि भारत की नीति तो पड़ोसी पहले की है, भारत ये क्या कर रहा है, यानी को स्यापा कर रहा है, रो रहा, दुनिया को दिखा रहा है, सहानुभूति गेन करना चाहता है। वो ये भूल जा रहा है कि जो तुम वहाँ कर रहे हो, लद्दाख में कर रहे हो, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के कर रहे हो, जिन नेपाल के साथ मिलकर के कर रहे हो, वो पूरी दुनिया देख रही है। तुम्हारे साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा है पाकिस्तान को छोड़ करके, और पाकिस्तान भी कब तक, जब तक कि उसकी वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज मिल रहा है तब तक वो सरवाइव कर रहा है। पाकिस्तान तो उसके चीन के जाल में फंस चुका है, और उसी रास्ते पर नेपाल चल चुका है, तो चीन बिलबिला रहा है। इसका मतलब कि भारत जो भी सख्त कदम उठा रहा है उसका असर हो रहा है, तभी ग्लोबल टाइम्स ऐसा लिख रहा है। लेकिन जब तक वो पीछे नहीं हटता है, जब तक पेंगोंग झील के जो फिंगर 4 से लेकर के 8 तक वो खाली नहीं करता है, तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता। बहुत हो चुका, 1962 से लेकर के 2020 तक बहुत चीन ने दबा लिया, अब भारत दबने वाला नहीं है। वक्त आ चुका है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब मिले। देखते हैं कि मोदी सरकार कब, क्यों, कैसे जवाब देती है, इस पे हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।